शेकर हिलाना और कुछ नहीं हिलाना, वेट बढ़ जाना चाहिए। क्या कर रहे हो गुरुजी? गुरुजी आप तो एक्सपोज चल रहे हो आजकल। नहीं गुरुजी ने बेरोजगारों को बहुत काम दिया, जो बात है कुछ ना कुछ बेचारो कंटेंट मिलता रहे बनता रहे। हो गई। गुरुजी बैठ लो जल्दी। गुरुजी थोड़े से घूमे, अब 2 मिनट का ब्रेक लेगा जब वीडियो देखूंगा। ए भास्कर भाई रोने वाले इमोजी भेज रहे हो, देख चैट क्लोज कर दी तुरंत पूरा। गुरुजी से क्या हुआ एकदम? गुरुजी जिस दिन मिल गया ना उस दिन मैं उसे ट्रेनिंग जरूर लूंगा, 4 हड्डियों में इंजरी जरूर दूंगा। गुरुजी साइंस के हिसाब से तो ये पैदा भी गलत हूँ मैं। गुरुजी एंगल गलत लग गया, उसके माथे में चोट लग गई। देखे रहे साइंटिस्ट के बीच ठीक है एंगल। Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajbir Sisodia. And guys, training करने आ गए फिर से हमारे पूजनीय गुरुजी के पास। और जिम में घुसने की कंडीशन है सीधे, भैया मेरे लिए क्या लेके आए होगे? ले वे। अबे आता क्यों नहीं है? और कहाँ लेगा? डॉक्टर चॉइस का क्रिएटिन, डॉक्टर चॉइस का बल्किंग, शेकर हिलाना और कुछ नहीं हिलाना, वेट बढ़ जाना चाहिए। खाते खाते भी कैसे कम हो गया? धीरे बोल, धीरे वैसे रैसे हो गए वैसे ना, ये फुंसी है, इन्फेक्शन हो गया देखो। अच्छा ये है, क्यों दिखा रहा है? टच कर दिया मुझसे ही कह रहा भैया जिम नहीं आ रहे क्या? मैंने कहा नहीं आ रहा। कह रहा भैया मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तो तुम जिम नहीं आए तो मैंने कहा क्यों? कह रहा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। मैंने क्या लाया गिफ्ट? मैं गांड पर घी लगा कर लाया है। हाँ भैया तूने बोला था तो भाई, क्योंकि चल रहे नवरात्रे हमारे, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी अब हम बढ़िया वाली करने वाले हैं, जैसे हर साल एक बार करते हैं। तो नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट लेवल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में हमारा डॉक्टर चॉइस का 3-वे फ्यूजन। जिनको नहीं पता, वैसे तो सारों को पता है, सारे यूज कर रहे हैं, जो अभी भी नहीं कर रहे हैं उनको बता दूं, 3-वे फ्यूजन क्या है? 3 प्रोटीन का ब्लेंड है, हाइड्रोलाइज, आइसोलेट और वे प्रोटीन, तीनों इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो या फैट लॉस कर रहे हो, दोनों में इसको यूज कर सकते हो। टेस्ट इसका बहुत अमेजिंग है। 25 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग इसके अंदर आपको मिल जाता है, 5.5 ग्राम BCAA, 4 ग्राम ग्लूटामाइन, 11 ग्राम EAA, शुगर इसके अंदर बिल्कुल 0 है। तो 100% सेफ, 100% ऑथेंटिक, 100% टेस्ट में मज़ेदार सारी चीज़ें इसके अंदर आपको भैया मिल जाएंगी। ऊपर इसके आपको यहाँ पे स्क्रैच करके इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो भैया क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो हमारी डाइट बिल्कुल बंद है। ये हमारा पानी, ये हमारा 3-वे फ्यूजन 1 स्कूप, क्योंकि गुरुजी भी जिम के अंदर है नहीं, गुरुजी कहीं गए हैं, आधा घंटा लगेगा उन्हें आने में। और हम आज शोल्डर ट्रेनिंग करने वाले हैं गुरुजी के साथ और हमारे छोटे भाई रोहित खत्री के साथ। रोहित की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है गुरुजी के अंडर आके। तो तब तक हम थोड़ा सा, क्योंकि भूख लगी है, ये पूरा प्रोटीन पी लिया, एक घूंट बच रहा, ये भी खत्म। तो थोड़ी देर वेट करते हैं गुरुजी का, और हमारा भाई भी आ रहा है रोहित खत्री, शोल्डर ट्रेनिंग हमारी आज साथ में करेंगे। तो हाँ क्या ले जाऊँ? अबे तो गेनर के मैं खाऊंगा, विश्वास ना हो रहा इसे। ठीक है तो गुरुजी का वेट करें, गुरुजी आते ही फिर करते हैं हमारी शोल्डर ट्रेनिंग शुरू, लेट्स गो। और वीडियो बहुत मस्त होने वाला है, देखते रहना, क्योंकि इस जिम में आगे भाई भी कुछ और हो जाती है भाई, ऊपर से भाई हमारा मिल जाता है गुरुजी की ट्रेनिंग, तो मैं बताइए चलो लेट्स गो। तो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले हम कर रहे हैं हमारा वर्कआउट शुरू, शोल्डर वर्कआउट है, वार्म अप से शुरू करेंगे। वार्म अप में हम थोड़े दो सेट लेंगे, साइड लेटरल रेज, फ्रंट रेज और हमारा डंबल प्रेस। और कमर में इंजरी हो रखी है, कैसे हुई है वो तुम्हें बताऊंगा, और मेरी गलती ने मुझे क्या सिखाया वो भी तुम्हें सिखाऊंगा। तो भाई आज का वर्कआउट हमारा हो रहा है गुरुजी के जिम में, कल हमारा वर्कआउट होएगा इंडिया के बेस्ट जिम में बाय RK, नहीं बाय रोहित खत्री, जिम का नाम है RK फिटनेस। कल संडे को भी रेस्ट नहीं ले रहे हम, अब द्वार कहाँ हैं तो वर्कआउट दोनों टाइम का निपटा के जाएंगे। बहुत दिनों से मेहनत करी हमने भाई से, भाई अगर भी हमें अपने जिम बुला लो, भाई ने ना फ़ोन उठाया ना रिप्लाई करा, पर आज कहीं जाके भाई ने हमें टाइम दिया कल का। तो कल जाके रोहित भाई के जिम में वर्कआउट कराएंगे, बढ़िया था ताबड़तोड़। तो भैया वार्म अप ले लें, वार्म अप लेके शोल्डर वर्कआउट करेंगे गुरुजी के और बड़े गुरुजी के साथ, जो हमारे भाई मिस्टर रोहित खत्री।
गुरु जी करें शुरू? कहाँ से करें? साइड रेस ही होगा। साइड रेस से? हाँ, दोनों आ जाओ। दोनों आ जाए, पार्टी दोनों बैठे करते रात में। हैं? पार्टी। कैस कैस करने गुरु? नहीं ये तो ठीक है। साइड रेस। तेरा पाने लगा? कितने से कितने? यही यही मंगवा लूँ? उसपे ये नहीं पता कि सारे सेट दोबारा लगेंगे। लग रहा है निपटाने के लिए। रोहित मामा आ रहा गुरु जी कह रहे ये ना बता कि सारे सेट दोबारा लगेंगे। मैं तो जी मारे सामने बैठ के पेपर दे हूं। शोल्डर मार के पार्टी है। क्या किलो शुरू करें गुरु जी? तो 15 कर ले। मैं इसके रैप ज्यादा। हां अच्छा इसके रैप ज्यादा। हां हालत कैसी हो रही है? डंबल ऐसे उठाने पड़ रहे हैं। आई ठीक है चलो गुरु जी। हां ठीक है बोले इसको ठीक है कमर जा जा मैं अरे उठा दूंगा कोई बात ना। क्या कर रहे हो गुरुजी? गुरुजी आप तो एक्सपोज चल रहे हो आजकल। बढ़िया काम कर रहे हो बच्चों करते रहो। थूक लगा लगा के डायरी के पन्ने पलट रहे। बेरोजगारों गुरुजी नहीं गुरुजी ने बेरोजगारों को बहुत काम दिया जो बात है। कुछ ना कुछ बेचारों कंटेंट मिलता रहे बनता रहे। हाँ रोटी चल लीजिए गुरुजी। ऐसा भिख मंगे बहुत है थोड़ा बहुत आना खर्चा चलता रहे पब्लिक का। और क्या चाहिए? क्या दस बंदे और होने चाहिए बोलने के लिए? अरे मुझे बुलाओ मैं चिल्ला के बोलता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। गुरुजी सुपर सेट कितने से इससे? चलो 16 एक दो सात रुको ना दोनों तीन चार पाँच छ सात चलता रहे भाई 8 9 10 11 12 13 चल 14 15 15 का नंबर बोला था 16 17 18 दो लगा 19 20 पूरे नहीं हुए भाई और लो ये तो होगा 15 डबल दिया चलिए ठीक है ये करेंगे डबल प्रेस लगा ऊपर सेट चलने गुरु जी। हाँ ये प्रेस सिंगल करेंगे। अच्छा ये और ये अल्टरनेट चार सर चार ही लेंगे। कितने का गुरु जी? ये 25 का ही। उम्र के हिसाब से लगवा रहे हो वेट? जो कम है उम्र का उसका वेट जो ज़्यादा का उसका ज़्यादा। अरे मेरा भैया थैंक यू। गुरुजी टेक वन एक्शन। एक के टेक मारने ज्यादा टेक नहीं चाहिए वेट बहुत है। चलो चलो आ गया आ गया आ गया आ गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ओके ओके वाह वाह बहुत तगड़ी एक्टिंग करी सारे एक्टरों ने। इस जिम के अंदर आजकल एक्टिंग क्लासेस भी दी जा रही हैं। गुरुजी वहाँ जा कह रहे दिखाइए भाई। गुरुजी वहाँ कह रहे कैमरा मैन से दिखाइए भाई। सही है सही है नहीं। अबे तुझे इतना बल्किंग खिला रहे हैं डीसी का। अरे मेरे को हैं मेरी क्या सेक्सी है? अबे इंग्लिश में ब्रेड क्या सेक्सी है?
क्या अच्छा है? कुछ हो रहा है, दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है मगर आपकी ब्रेड बहुत सेट से ब्रेड। भैया हमारा आ गया तीसरा सेट, देखिए पंप दिख रहा। बस फिर एक सेट इसका, एक सेट इसका, एक सेट इसका, एक सेट इसका, चार हो जाएंगे। अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। देखो भाई कोई ऐसा समझ रहा हो, गुरुजी सच में वेट लिफ्ट कर रहे हैं रिकवरी मोड में, और बहुत हैवी है गुरुजी। ज्यादा जोश में ना आना, रिकवरी मोड पे हो अभी। हाँ है, हाँ कितना वेट है भास्कर भाई? 200। चलो हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई, आ गई 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 आ गई। वेल डन गुरुजी, बाय बाय। गुरुजी बैठ लो जल्दी, हवा आगे आ गए। गुरुजी थोड़े से घूमे कि अब दो मिनट का ब्रेक लेकर जब वीडियो देखूंगा। गुरुजी की तबीयत खराब, ऊपर से डॉक्टर ने तो अभी भी रेस्ट के लिए बोला हुआ, फिर भी इतने वेट के साथ लड़ना, इसीलिए ऊपर से ब्रांड वाले कहते ऐसा वीडियो चाहिए। इतना हैवी वेट मारते हुए तीन तीन हो गए मेरे, कितने रहे गुरु जी? ए गुरु जी कुछ कह भी रहे हो, थोड़ी सी चोट क्या लगी। अब ठाकुर साहब 12 रेप मारेंगे इतने से वेट से? 20 मारो गुरु जी। 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखो भाई तुम एक चीज़ और बताओ, मेरी इंजरी हुई है लेटेस्ट कैसे हुई है? जैसे स्कॉच हम मार रहे थे तीनों चारों लोग, मैं संजय भैया, संजय भैया की हाइट मुझसे थोड़ी ज़्यादा है, जब तक लाइट वेट चलता रहा तब तक तो मैं उसमें घुस के वे प्लेट उठा के मारता रहा, लेकिन जब वेट गया 180-200 किलो तो वहाँ क्योंकि बार जो थी वो ऊपर थी, जब उठाई ना जो पे आके जैसे पंजे पे उठाई, एक साइड की निकल गई, एक साइड की निकली नहीं, तो वो सारा ना मेरे राइट पैर के पंजे पे आ गया, पंजे पे आती मेरी ये मसल खिंच गई यार। तो भाई दो मिनट का आलस होता, प्लेट उतारना चढ़ाना ये फिर से गलती होगी, तुम मत करना कभी। दो मिनट के आलस के चक्कर में 14 दिन खराब हो गए, नीचे झुक के डंबल भी नहीं उठा पा रहा, ये हालत है। ए भास्कर भाई रोने वाले इमोजी भेज रहे हो, देख चैट क्लोज कर दी तुरंत। वो तो आ गई धूम था मेरी चैट पे, धूम था। हां ओ भाई डाल मत दी। रोने वाले इमोजी बाबू, हंसने वाले हंसने वाले आंसू तो है, कैसे हंसने वाले आंसू, एक बार दिखा दो फिर। वो ले ली हमने, कोई दिक्कत ना। चार चार सेट खाओगे, अब मिलेंगे भैया तुम्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी तो शोल्डर की इंजरी पिछली ठीक ना हुई, पर मौत के मुंह में जा रही है जबरदस्ती, ठीक है। गुरुजी मैं इसके नीचे घुसने को पोजीशन ले रहा, भूल गया शोल्डर कर लो। मेरे इसी चीज में बिहाइंड द नेक में ना 2-3 बार इंजरी हो चुकी है, एक तो लेट पुल डाउन पे हुई है तो, और एक सेम इसी से हुआ फ्रंट तो डर बैठा हुआ अंदर। हाँ रोहित की मेहनत बढ़िया चल रही है भाई, मेहनत भी रिजल्ट भी। फ्रंट ही मार दूं मैं, ग्रिप वाइड रखूं क्लोज रखूं? ये तो फ्रंट के लिए ठीक है, इतनी रखूं ना? चल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चल चल 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
चल भाई हो रहा गुरु जी से क्या हुआ एकदम डरा दिया चल चल दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ चल चल दस बस चल चल और लगा इसे नीचे नहीं जुड़ना चल वही ऊपर लगा चल तू जोर लगवा लास्ट रैप चल चल बहुत बढ़िया चल लगा दे धाड़े जरूरी है बैठ अगड़ी मेरा तो आ जाएगा चलो मास्टर जी को टैग कर दो भाई गलत मूवमेंट कर रहे हैं सारे छोड़ 5 7 8 9 10 तू गलत आया गुरु जी के पास वहीं जाना है गुरु जी जिस दिन मिल गया ना उस दिन मैं उसे ट्रेनिंग जरूर लूंगा चार हड्डियों में इंजरी जरूर दूंगा साइंस के हिसाब से तो गलत है लेकिन भाई हमें अगर रिजल्ट मिल रहा किसी चीज से साइंस के हिसाब से तो गुरु जी साइंस के हिसाब से तो ये पैदा भी गलत हुए पर हुए हैं ना हाँ अभी धरती पे आने का टाइम थोड़ी देर अभी धरती पे आने का टाइम नहीं था साइंस के हिसाब से गलत पैदा हो रखे हो अभी तो गलत है गलत है नहीं साइंस के हिसाब से गुरु जी एंगल गलत लग गया उसके माथे में चोट लग गई माथे में चोट लग गई उसे तार हिल गए इसीलिए सारे एंगल गलत है देखे रे साइंटिस्ट के बीच ठीक है एंगल ना हो तो अगली वीडियो में बताइए हम ठीक करें फिर से गुरु जी ने कितनी गहरी बात कही साइंस के हिसाब से तो इसका टाइम ना था अभी दुनिया मानेगा तो भैया सेकंड लास्ट वर्कआउट हमारा रियर डेल्ट फ्लाई था डंबल से पर हमारे कमर से हम मुड़ नहीं पा रहे झुक नहीं पा रहे तो इस चक्कर में हम कर रहे हैं हमारा फेस पुल जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ शोल्डर जब भी ट्रेन करो मेरे भाई रियर डेल्ट जरूर उसमें ट्रेन करो यार क्योंकि रियर डेल्ट नहीं है तो 3D लुक वो आ नहीं पाता जो तुम सारे भाइयों को चाहिए होता सारे लोगों को चाहिए होता तो हम कर रहे हैं हमारा फेस पुल हमारे रियर डेल्ट्स के लिए बिना हमारी लोअर बैक को टॉर्चर करे जिसमें ऑलरेडी चोट है ऑलरेडी टॉर्चर है हमारी लोअर बैक हाँ वो इसके साथ है हमारा गुरुजी साथ ही करूँ क्या है इसके साथ है हमारा अपराइट रोइंग हमारे सारे भाइयों को बताई होगी जिन्हें ना पता बता दें भाई बारबल में ये लगाओ और हमारा हाथ से वेट उठाने की जगह एल्बो से उठाओ ये जब हमारी एल्बो ऊपर जाएगी तब जाके हमारी सही फॉर्म आएगी बहुत से लोग क्या करते हैं इसको ना ऐसे उठाते हैं हाथ मोड़ेंगे फोर आर्म पे आ रहा है कलाइयों पे आ रहा है इस बून पे आ रहा है ये ना करके हमें यहाँ से एल्बो से लेके जाना वेट एल्बो से एल्बो अपनी कान के ऊपर देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे रियर डेल्ट के लिए भी बहुत यूजफुल होते हैं और हमारे ट्रैप्स के लिए भी ठीक है एप्सम करा अरे बहुत दिनों में निकले यार मेरे तो थोड़े से दिखा लूं एक साल में गायब पीछे में हो जाए एक साल में एक बार निकले गायब तो मैं कर दूं एक हफ्ते में गायब खाने का शौक ज्यादा रोस्ट कर रहा मुझे लाइफ हां तू और कौन ये कर रहा एक हफ्ते में गायब हो जाए अब ना हूं मैं अब निकल के अब ना आएंगे इस बार मैंने कसम खा ली है कि आप मुंबई आओ एप्स काट के और आप उल्टे दिल्ली आओगे आप क्या आप कैब्स ना आओगे ना ना यही हुआ पिछली बार मैं यहाँ से वो गाना बना के अपना और दूसरी जो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाई वो बना के मुंबई गया जब तुझसे मिला लास्ट टाइम वहाँ से वापस आया गया पता ही नहीं कहाँ चलेगा चल
मसल बिल्ड करना तो ये एक्सरसाइज आज ही छोड़ दो, ऐसा कह रहा है बहुत चढ़ेगा तेरी कसम एक्सरसाइज को। तो भाई ऐसा है, वर्कआउट हो गया हमारा ख़त्म, जितनी हमारी औकात थी उससे ज़्यादा ही कर लिया, मतलब औकात हमारी मतलब मेरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों की बात नहीं कर रहा। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, अब जैसे तैसे कल का वर्कआउट मैनेज करेंगे, भाई ने अपॉइंटमेंट दी है, कल जाएंगे हम आर के फिटनेस में, वहाँ जा करेंगे हमारा बाइसेप्स ही करेंगे पूरे मई। हाँ बिना करी तगड़ा हो रहा, अब कैसे करेगा, अंडा बहुत जोर का इसका जो बात है। आज का वीडियो यहीं खत्म करेंगे, गुरुजी हमें खाना खिलाने ले जा रहे हैं बड़े प्यार से, तो हम जा रहे हैं डिनर करने गुरुजी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में।